यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और ब्लॉग में। तो आज हम आपको दिखाने आए हैं भूमि मोटर का प्री ओन बाइकों का स्टॉक, जिसमें आज हम कवर करेंगे आपकी फेवरेट बाइक जो आप बहुत डिमांड करते हैं, दैट इज़ RC200। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, जहाँ पे मैं बहुत सारी गाड़ियों से रिलेटेड, बाइकों से रिलेटेड आपको स्टोरियाँ बताता हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउट आउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउट आउट गोज टू बलजीत, थैंक यू सो मच सर कि आपने माय कंट्री मैरिट की वीडियो पे कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और जानेंगे कि आज भूमि मोटर के स्टॉक में जो आपके लिए बाइकें आई हुई हैं वो कितनी ही स्पेशल होने वाली हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब माय कंट्री मैरिट की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम आए हुए हैं भूमि मोटर पर। तो आज हम बेसिकली आपको एक ऐसे कस्टमर से मिलवा रहे हैं जो नेशनली नहीं, इंटरनेशनली आए हैं इंडिया में, और यहाँ पे वो भूमि मोटर से ये बाइक ले रहे हैं और पूरे इंडिया ये ट्रैवल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो हमारे साथ हैं, याकूब भाई। याकूब, हाउ आर यू? हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, से हेलो टू माय ऑडियंस। हेलो, हेलो एवरीवन, आई एम जेकब, नाइस टू मीट यू। सो जेकब, लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद द भूमि मोटर एंड हाउ डिड यू फाइंड द राइट बाइक? ओके, वेल, we were actually walking like more shops here and trying to find the Royal Enfield Thunderbird, because first experience I got from my friend driving this bike, and I was like, this is the best bike for like a long distance because it's very comfortable and everything. So we were basically looking for exactly Thunderbird. Okay. And we were going from the store to store when we found this one. Okay. Since I'm a mechanical engineer in Czech. Okay. For me it was quite easy, you know, to hear the sound of the engine, if it's okay or not. This was perfect. Yeah, the condition of the engine was perfect. Perfect. And there were some like small stuff that we needed to like replace. And I really liked the guys, they said, okay, we have the deal price and everything, we will replace everything that you will say that it's need to be done for this price, it's yours, like really done. So that's what I really appreciate, that we will get the bike in a good condition. That's the best what you can get. Very nice. तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, वैसे जो जेकब हैं वो पूरे इंडिया ट्रैवल करने चाह रहे हैं, वैसे इनकी जर्नी के बारे में थोड़े जान लेते हैं और इनका कुछ पेज भी है वो भी हम आपको बताएंगे। So Jacob, like, what exactly you are going to do with the bike? Okay. Yeah. So me and my wife, actually, we are traveling around the world. We started like 6 months ago in Europe, in Czech Republic, where we are from. Okay. We did all Europe by hitchhiking, auto stop, and then we fly to India, where we already spent like 1.5 months teaching kids English in the Punjabi. Okay. And then we were like, okay, let's have some fun. Okay. Let's take the bike and travel like whole north of India. So we will start in Ladakh. Okay. And finish then in Manipur, where we will then go to cross the borders to Myanmar. So more than like 3,000, actually more than 4,000 kilometers ride. And like, if you are interested in those kind of things, you can always follow our pages like Facebook or Instagram. It's called Happy Team Travel Blog. Yeah, because we are happy, we are team. Travel, because we are traveling and block. Wonderful, yeah. Wonderful. तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं बाइक को। और एक लास्ट जो क्वेश्चन होता है जो हम हर अपने मेहमान से जो इंटरनेशनली हमारे इंडिया में आता है उससे पूछते हैं, सो हाउ डू यू लाइक इंडिया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई मीन, इंडिया इज सो मच कॉन्ट्रास्ट. Yeah, okay. It's like you cannot find it anywhere in the world like this, because people are amazing. I mean, what the guys are doing for us, what everyone is doing, you're so open. It's really like open-hearted and everything. You have amazing nature, especially in the north, it's like amazing. But of course, then you go somewhere else, then you see the garbage on the street and you are like, amazing, and why? Yeah, so it's like diverse, really diverse, but I love it. I mean, like, it's different world. तो भाई देखो, हमारे जो मेहमान हैं जो इतनी दूर से आते हैं वो साफ़ सफाई के लिए सबको कहते हैं, तो अपनी सिटी को क्लीन रखिए, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, ताकि जो हमारे मेहमान आउट ऑफ कंट्री से आते हैं वो ऐसी शिकायतें तो ना करें। बाकी अब ऑल द बेस्ट कहते हैं जो आपको, ऑल द बेस्ट टू योर जर्नी एंड वेरी नाइस टू मीट यू।
and all the best. Say goodbye to my friends. Goodbye. Thank you for watching. Goodbye, ji. ओके दोस्तों, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मैराइड के एक और व्लॉग में। तो आज दोबारा से हम आए हुए हैं आपकी फेवरेट जगह जहां से आप बाइक लेके जाते हैं और बहुत पसंद करते हैं, दैट इज़ भूमि मोटर। और हमारे साथ है प्राउड ओनर भूमि मोटर के। भैया कैसे हो, हाउ इज़ द ट्रिप? अच्छी थी है। तो भैया ज़रा ट्रिप पे गए हुए थे इसलिए व्लॉग जल्दी नहीं आ पाया, लेकिन भैया वापस आ चुके हैं धमाकेदार बाइकों के साथ। लास्ट टाइम हमने कहा था भैया से कि भैया KTM का कुछ करो, तो भैया ने कहा चलो ठीक है आप कहते हो। वैसे शॉर्टेज रहती है मार्केट में, बट हम ले आएंगे। KTM हमारे पास बहुत सारी थी और काफ़ी सारी सोल्ड भी होगी। जैसे इरफान ने कहा, इरफान ने हमें लास्ट टाइम कहा था कि KTM का बड़ा शॉर्टेज है भैया। हाँ। तो मैंने कहा आती हैं बट वो जल्दी रुकती नहीं है, मतलब वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता। हाँ। भाई कि आती हैं और भैया बेच देते हैं। दो निंजा भी थी और इसके अलावा भी हमने ड्यूक दो तीन और भी खड़ी थी हमारे, हमने कल परसों ही सोल्ड किए हैं। बहुत बढ़िया। इरफान का शेड्यूल थोड़ा टाइट था तो नहीं हो पाया, बट हाँ अभी भी हमारे पास चार हैं और शेड्यूल में हमारे पास और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। KTM में पाइपलाइन में है, आपके लिए कर रहे हैं काम। लेकिन सबसे पहले जो स्टॉक में वो दिखाते हैं, सबसे पहले भैया ब्रांड न्यू दिख रही है, इसकी डिटेल बता दो। है 250 ड्यूक है, ABS मॉडल है ये। अच्छा, 2019 मॉडल है ये, मतलब नई गाड़ी 1,258,000 के आसपास आए थे। माय गॉड, आप कितने की दे दोगे? 2,10,000 मांग रहे हैं, बाकी इसमें नेगोशिएबल है, इसमें चार्जर वगैरह लगा हुआ है और माउंट वगैरह, ऑल ओरिजिनल गाड़ी है। 2,10,000 हमारा इसका डिमांड है। भैया इसकी सर्विस मेंटेनेंस का आइडिया दे सकते हो? वैसे सर्विस मेंटेनेंस एक्चुअली ना, आप ड्यूक जो है ना एक कूपन देता है आपको सर्विस के, वो उसके अंदर बुकलेट नहीं आती। ओके। और आप सब कुछ ऑनलाइन है, ड्यूक नहीं KTM में किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो आपको, आप गाड़ी लेके जाइए वहाँ पे, वो ऑनलाइन आपको चेक करेंगे और बता देंगे इसका इतना सर्विस फ्री पड़ा या इसका बचा हुआ। अच्छा, सब ऑनलाइन सेगमेंट में चला गया, अब इसका मैनुअल भी कोई आता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं सेकंड की, ये रहने वाली है थोड़ी सी, उससे मेरे को लग रहा है ओल्ड शेप जिसे हम कह सकते हैं, वही तो है। ये पुराना वाला जो स्टार्टिंग से ये ड्यूक में चलता आ रहा है, 2018 मॉडल है ये। इसका 1,25,000 रुपये हम डिमांड कर रहे हैं और गाड़ी बहुत अच्छी है ये, और कम चली गाड़ी है, 7-8 हज़ार चली है। अच्छा जी। और इसका एक एक्चुअली एक ब्लॉगर है इरफान भाई के, उन्होंने इसका लोन भी डलवाया हुआ है फिलहाल। सच्ची में इसका लोन डला हुआ है, वो अप्रूवल पे पड़ा है IDFC बैंक से। चलो फिर भी इस डिमांड क्या थी इसकी? इसकी 1,35,000 थी, 1,35,000 डिमांड थी, हमने 1,30,000 रुपये ग्राहक को दी ये गाड़ी। बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं उस बाइक की जो बहुत आप डिमांड करते हैं भैया, बहुत हैवी डिमांड है इसकी। ऐसा क्यों है, क्या है इस बाइक में, मुझे ये बताओ यार। एक ना स्पोर्ट्स लुक मिल जाता है, 200cc मिल जाता है, और KTM जो है अपनी पिकअप के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाँ, इट्स लाइक कई लोग तो उसको किलिंग मशीन भी बोलते हैं। किलिंग मशीन? हाँ, इसका एक्सीडेंट बहुत बुरा होता है। हम तो फिर भी लोगों को तभी हेलमेट ये वो, हम तो कहते हैं इसको हमेशा आप प्रिकॉशंस के साथ चलाइए, अपना जो गार्ड वगैरह होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं वो पहन के चलाइए। और KTM का जो है पिकअप जो है कंपेयर टू इंडियन जितनी बाइक्स आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। 125cc अगर इसका KTM का होगा तो वो भी बहुत हैवी पिकअप में होगा। दोनों 200 हैं? ये 200 हैं दोनों, एक 18 मॉडल है वो वाली, ये 17 मॉडल है। अच्छा, ये देख लो आप, 17 इधर खड़ी है, 18 इधर खड़ी है। आप सीधे सीधे जानेंगे दोनों के पैसे, क्योंकि वो रहने वाले हैं बहुत ही स्पेशल। दिस इज 17 मॉडल जिसके हमने पैसे बताए हैं 1,60,000 रुपये। 1,60,000 नहीं, कितने की आ रही है? नहीं, इसमें 2,25,000 रुपये की है। चलो ये आपको फिगर बता दें तो मोटे मोटे आपके 1,00,000 रुपये बची रहे हैं ऑलमोस्ट। जी, ये 2018 मॉडल है, इसके 1,75,000 रुपये मांगते हैं हम लोग, और वो भी नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत प्राइस में हो जाएगा जैसा कि हम हमेशा। ये चली कितनी होगी अप्रॉक्स? 4,000 रुपये, 4,000 चली है सिर्फ। सिर्फ 4,000, यानी कुछ भी नहीं चली। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं, और अगर कोई अदर स्टेट का लेना चाहता है तो NOC वगैरह? हाँ, वो NOC वगैरह हो जाती है, पर अदर स्टेट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि उनको उसको दिल्ली रेफरेंस मिल जाए तो हम उनके नाम ट्रांसफर करा देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि उन्होंने चला ली दिल्ली में होती है। हाँ। और ID अदर स्टेट का होता है। वी हैव सोल्यूशन, हमारे पास हर तरह केयर ऑफ में तो चली जाती है वो। नहीं, केयर ऑफ तो खैर दिल्ली में अलाउ नहीं है, बट हमारे पास और भी सोल्यूशन है कैसे वो कर लेंगे। हाँ, उनको आना पड़ेगा। चलो आप फोन पे ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फोन पे नेगोशिएशन भी नहीं हो पाती। आप जब विजिट करेंगे तो आपको इन बाइकों के अलावा भी बहुत बाइकों का स्टॉक रखा होता है भैया के पास। भैया स्टॉक कितना होता है? हमारे पास इस टाइम 150 प्लस गाड़ियों का स्टॉक है। बताओ, 150 बाइकें सुनने में इतनी ज़्यादा लगती हैं, सोचो कैसे मैनेज करते होंगे भैया। मैं तो भैया की हिम्मत की दाद देता हूँ कि भैया बस कैसे ही रखते हैं इतनी सारी बाइकें। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कई बार कस्टमर आते हैं कहते हैं यार व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, जैसे अभी किसी का आया था बताना यार, हर एक को नाम फोटो नहीं भेज पाते क्योंकि स्टॉक 150 गाड़ी में किस किस की फोटोज भेजते रहेंगे। सही बात है। बेस्ट है कि आप वीडियो देखो इरफान का, उसमें आपको सारा स्टॉक हम लोग अपडेट कर ही रहे हैं। नहीं तो आप आ जाओ, वो अपडेट देखिए, उसके बाद मुझे कॉल कर लीजिए कि गाड़ी अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि हमारे भाई साहब व्यास भाई इतना अच्छा शूट करते हैं, जबरदस्त अच्छा फोटो मैं क्या भेजूंगा यार। भाई इससे बढ़िया तो नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बढ़िया तो आपको ये बताते हैं कि आप यहाँ पे विजिट करो। हाँ। सातों दिन शॉप ओपन है,
भैया आपको मिलते हैं, हम लोग छुट्टी नहीं रखते, छुट्टी नहीं रखते। सबसे बड़ी बात है, ऐसे बुधवार बंद होती हैं कुछ जगहें, कुछ जगहें मंडे बंद होती हैं, बट यहाँ सातों दिन दरवाजे खुले हैं। आओगे तो सही बात बता रहा हूँ आपको, भैया इतनी बाइकें दिखाएंगे ना कि शायद कन्फ्यूज़ ही ना कर दे कि कौन सी लूँ मैं। मोस्टली सारे कन्फ्यूज होते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की, R1 बहुत है आपके पास, वर्जन 2 मॉडल है, 2013 का मॉडल है ये। ओके, 11,000 समथिंग आई थिंक चली हुई है, मैं देख लूंगा मीटर में, ठीक है। और इसका डिमांड हमने लगा है जो 62,000 लगा है, बट वो भी नेगोशिएबल प्राइस है, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स है। आप नेगोशिएबल को कभी ये मत सोचिए कि ये फिक्स प्राइस है, इसमें नेगोशिएबल है, हम लोग 10% तक का बार्गेनिंग करते हैं, और कई बार उससे भी ज़्यादा करते हैं, जब अगर हमारे को कस्टमर का जैसे कोई रेफरेंस से आ रहा है कुछ आ रहा है, तो उससे ज़्यादा भी हम बार्गेनिंग कर लेते हैं कई गाड़ी। तो आप कभी ये मत सोचिए कि उस पर जैसे यूट्यूब पे लोग देखते हैं, अरे महंगा है महंगा महंगा है, हमें डिमांड्स रखना पड़ता है। अगर हम फिक्स रखेंगे तो उसके बाद भी आप कहेंगे सर लास्ट कितना हो जाएगा, लास्ट कितना हो जाएगा, तो एक ही डिमांडिंग प्राइस है, नेगोशिएबल है, आप आ सकते हैं और हम दे सकते हैं आपको, टेंशन मत। भैया देखो ये इंडिया है, यहाँ पे नए शोरूम पे जाओगे तब भी बार्गेनिंग करोगे, वो दिल में मतलब वो दिल को गवाही नहीं देगा अगर कम नहीं करवाए तो। सही बात, तो इसीलिए भैया कहते हैं नेगोशिएबल प्राइस है, और नेगोशिएबल में आपको ये नहीं बता सकते कि इतने ही पैसे टूटेंगे। अगर आपकी बाइक की कंडीशन के हिसाब से आप कौन सी बाइक ले रहे हो, किस प्राइस की ले रहे हो, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि जो प्राइस बता रहे हैं उसमें कुछ पैसे तो होंगे, कम हो जाएंगे। अब इसके क्या पैसे हैं? ये 2015 मॉडल है, ये इसका डिमांड है 78,000। अच्छा, ये 2015 का है R15, बहुत क्लासी गाड़ी है एक्चुअली, बहुत साफ गाड़ी है ये गाड़ी, 7,000 चली है, अच्छी गाड़ी है, ऑल ओरिजिनल गाड़ी है, और ये कलर भी बहुत प्यारा लगता है मेरे को तो, ग्रे सिल्वर कलर। तीन यहाँ भी रखी हुई यार, इतनी सारी R15 बहुत है हमारे पास स्टॉक में ना, इसके अलावा भी तीन गाड़ियाँ और हैं जो अभी सर्विसिंग के अंदर गई हुई है, पाइपलाइन में है। एक टाइम पे हमारे पास R15 ही नहीं थी, एक भी गाड़ी नहीं थी स्टॉक के अंदर, और कस्टमर फोन करते थे R15 है। सही बात, और हमारे पास अब इतनी गाड़ी है, बट इस टाइम वर्जन 3 नहीं है हमारे पास अवेलेबल, वो भी आ जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ पाइपलाइन में है, वो भी एक वीक के अंदर शायद वर्जन 3 वो आती, वीडियो बना के डाल दूंगा मैं आपके लिए। बट सबसे पहले आप ये देखते भैया, 2017 मॉडल है, ब्लू कलर में, ओके, इसका डिमांड 85 का है, 85, ठीक है। और ये साथ में इसका रेड खड़ी है, ये 2014 का मॉडल है, ओके, इसका डिमांड 65 का है, ओके। और एक सबसे छोटा जो सिंगल सीट में वर्जन 1 आता था, ये ब्लू कलर के अंदर, हाँ ये 2011 मॉडल है, 11 मॉडल है, इसका 45 मांगते हैं, बट ये भी नेगोशिएबल है, 45 यानी 45 वो भी नेगोशिएबल। यार अगर आप R15 में जा रहे हैं तो आपको 2 फिगर में ही जाना पड़ेगा कम से कम। हाँ ये तो है, क्या आप सिंगल डिजिट में सोचो R15 मिल जाएगा, जितना मर्जी छोटा मॉडल हो वो 2 फिगर में रहेगा ही रहेगा। भैया एक बात बताओ, कोई स्पेसिफाई मॉडल होना चाहिए फाइनेंस के लिए कि इतने मॉडल की गाड़ी फाइनेंस होती है? इस टाइम तो सारे जो बंदे हैं वो हमारे बैंक से सबने अलाउ कर दिया, मिनिमम से मिनिमम 10 मॉडल होना चाहिए, 10 मॉडल होना चाहिए, 10 मॉडल से ऊपर ही फाइनेंस करते हैं, उससे ऊपर फाइनेंस नहीं कर रहे। वैसे आपके पास 10 से तो ऊपर ही होती है, सारी 10 से ऊपर होती है, बट जब हम कस्टमर को तुम्हारे यूट्यूब पे बोलते हैं हमारे बस मिनिमम 15,000 रुपए से खड़ी है, 12,000 रुपए से खड़ी है, तो आप अगर 15-12,000 रुपए की गाड़ी लेते हैं ना तो उसमें ऑप्शंस कम होते हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं यार यूट्यूब पे इतना बताया था, एक्चुअली 12-15,000 में ऑप्शंस कम होते हैं, गाड़ी हम अच्छी रखेंगे, ब्रांड का हम नहीं कह सकते कौन सा होगा, जरूरी हीरो होंडा ही होगा, हमारे पास सुजुकी यामाहा हर तरह का ब्रांड मिलेगा, गाड़ी अच्छी मिलेगी 15-20,000 के अंदर, मगर उसके अंदर वैरायटी नहीं देख पाएंगे आपको मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे लाख रुपए की बाइक है या डाउन पेमेंट की बात करूं, तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट एक बाइक पे होती है वो कितनी होती है? वो एक्चुअली मिनिमम डाउन पेमेंट कम से कम 30-31% 31% इट्स लाइक जैसे लाख रुपए की गाड़ी ली है, हाँ। तो हर बैंक ने हमें अलाउ कराया कि 69 तक का लोन, 69,000 का अगर आप लोन लेते हैं, वो सेम डे आप आधे घंटे 2 घंटे में गाड़ी दे सकते हैं, जैसे ही आप 70 टापते हैं, हाँ। तो फिर वो अप्रूवल लेना पड़ता है उनको बैंक से, अथॉरिटी से, या पुणे से अप्रूवल लेना पड़ता है उनको। नहीं वैसे एक बात तो बहुत अच्छी है यहाँ पे बूम मोटर की, अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो भैया का इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि आपको फाइनेंस में ऐसे बजाते हैं चुटकी, लो जी होगी फाइनेंस है भैया। मैं ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा है कि मेरे को ना काफ़ी साल हो गए इस लाइन में, पहले मैं नई गाड़ियों के सेक्शन में था, मैं सर तो मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया, तो उस टाइम जब मैं वहाँ बैठता था शोरूम पे तो मेरे को सारा कुछ पता रहता है, कि इवन मेरे को फाइनेंस की पॉलिसी पता है। अच्छा, जो लड़के फाइनेंस वाले बैठे उनको पॉलिसी नहीं पता कि ये लोन होगा या नहीं होगा, पर इवन मेरे को पता है कि इसका लोन होगा या नहीं होगा, तो ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भैया बता सकता हूँ कि इसका कितने का लोन हो जाएगा और कब तक अप्रूवल हो जाएगा। भैया का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, इसलिए भैया के साथ वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि भैया को बहुत ज्यादा 15-1 साल हो गए सुन लो इसी फील्ड में। फाइनेंस अगर आप बाइक कराना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई हैं जो चाहते हैं कि फाइनेंस पे हमें बाइक मिले, आप भूमि मोटर आओ, फाइनेंस यहाँ इतना आसान है ना, जैसे
एक कदम चलना होता है, हो गया जी। और एक चीज ना हमारे आर्मी वाले भाइयों के लिए भी, वो कहते हैं उनको फाइनेंस नहीं होता, उनको भी फाइनेंस होता है। हाँ। आप जब भी फाइनेंस करने के लिए आए आर्मी वाले, आप अपने साथ एक सर्विस सर्टिफिकेट और एक सैलरी स्लिप अपने साथ लेकर आए, और जो भी स्टेट का आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है वो चल जाएगा। ओके, और सिर्फ इस दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो अपने सर्विस सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप लेकर आए, और आपके नाम भी लोन हो जाएगा। अपने जो अपना जो नया वेंचर चालू किया सर्विस सर्विस का भी एक बार अपडेट दो, क्या चल रहा है सर्विस? सर्विस में वही वेंचर हमारा जो चल रहा है 12,000 किलोमीटर तक है सर्विस, और उसके अंदर आपको 599 का बाइक का है, 499 उसका स्कूटी का, स्कूटर का है। ओके। और अगर बड़ी गाड़ी लेते हैं तो 899 का है, एक साल का। हाँ, एक साल का, जिसमें आपको कितनी सर्विस? 12,000 किलोमीटर तक है, जिसमें दो सर्विस हम फ्री दे देने। सर्विस में आपको ऑयल और फिल्टर वगैरह पे करना पड़ता है, जैसे नई गाड़ी पे होता है वैसे ही रहेगा। मतलब ये बहुत अच्छी सर्विस है, अगर आप प्री ओन्ड बाइक लेते हैं तो उसके साथ भैया ने एक बहुत अच्छी सर्विस की जो चीज चलाई है वो काफी अच्छा कर रही है। 2013 मॉडल से स्टार्ट है। अच्छा, इसमें ये भी है? हाँ, वो कंपनी का पॉलिसी है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है ठीक है, बाकी तो सारी हमने आपको डिटेल दे दी। अरे फ्री है यार, जाओ और बताओ यार, तो मतलब ज्यादा फोर्स ना करो, फोर्स नहीं करना भैया, मेरे को बुला लिया तो आज मैं कटने वाला हूँ। बस बस भैया, ऑफर निकलते रहेंगे, फ्री है। देखो हेलमेट तो ऐसा वादा है कि भैया को मैं क्या ही बोलूं, मेरे को तो अब जो यहाँ पे आप भाई लोग आते हैं उनको ही हेलमेट अभी अभी अब लेके गया वो लड़का ग्लैमर, वो कह रहा है मुझे हेलमेट मिला। फॉरेनर को भी दिया, हमने दो हेलमेट दिए। इंटरनेशनल हो गए हैं अब हम। हाँ, इंटरनेशनल हो गए। तो भाई इसी के साथ माय कंट्री मारेट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल ठीक 10 बजे। टिल द टाइम बाय बाय। You make me feel so crazy, still in love.